देवरिया में फंसे 15 मजदूर दरभंगा जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगा रहे गुहार। देवरिया रविवार की रात्रि फैजाबाद से दरभंगा के लिए पैदल निकले दर्जनों मजदूर बरहज थाना अंतर्गत कपरवा में पुलिस ने कराया भोजन, साथ ही एक ट्रक को रुकवा कर देवरिया भिजवा दिया, जहां ट्रक ड्राइवर ने उन सभी को देवरिया कोतवाली अंतर्गत सोनू घाट चौराहे पर उतारा। मजदूरों का कहना था कि हम सभी दरभंगा जिले के भैरा गांव के निवासी हैं, फैजाबाद से पैदल ही घर की ओर चल दिए। देर रात्रि रेड क्रॉस के वॉलंटियर गुजर रहे थे कि उनकी निगाह उन पर पड़ी। अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल सिंह को फोन कर जानकारी देकर अवगत कराया। अपर पुलिस अधीक्षक ने उन सभी को नंद पैलेस में क्वारंटाइन के लिए टीम भेजकर शिफ्ट कराया। जांच के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया। वही मजदूरों का कहना है कि हम बेबस हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, हम सभी को अपने गांव जाना चाहते हैं, वहां पर ही हम सब लोगों की जांच कराई जाए। गांव में रहेंगे तो अपने परिवार के बीच में रहेंगे। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि हम सभी को अपने गांव जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। बताते चलें कि 15 मजदूर फैजाबाद में चावल के फैक्ट्री में काम करते थे। भोजन का सही प्रबंध न होने के कारण उनका आत्मविश्वास टूट गया था, इसलिए सभी एकजुट होकर पैदल ही घर जाना बेहतर समझा। क्या बता दें, चौराहा पे छोड़ दिया। वहाँ छोड़ने के बाद हम लोग ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए। रात का टाइम था ना किसी को पूछ सके, तो उसी जगह सब लोग रुक गए। हमने सोचा यहीं आराम करते हैं, सुबह होते हुए किसी से पता करके उसके बाद निकल जाएंगे, या नहीं तो सर लोग कोई गाड़ी या सवारी कर देगा, किसी तरह के रूप में बैठा देगा, हम अपने घर तक जा सकते हैं। फैजाबाद में क्या काम करते थे? फैजाबाद में राइस मिल में काम कर रहे थे सर। क्यों वहाँ से चले? वहाँ से सर हम लोग का काम पहले ख़त्म हो गया था, एक महीना मतलब 5-7 दिन पहले ख़त्म हो गया था, घर जाने वाले थे। इस बीच में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन बोला 14 अप्रैल तक रहेगा, 14 अप्रैल तक रुक गया। उसके बाद भी देखे डेट बढ़ते जा रहा है, घर पर भी कुछ परेशानी था, और वहाँ भी जो हम 1000-2000 के काम किए थे वो बैठ कर था, मालक तरफ से लकड़ी चावल मिल रहा था, वही सब कुछ ख़त्म कर दिए। फिर आटा चावल भी सब कुछ मिलना चाहिए ना, वो सब भी ख़त्म हो गया, मजबूर में हम लोग निकल कर चले गए। कितने लोग हैं आप लोग? अभी है सर हम लोग 15 आदमी हैं। यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा में किस गांव? कुशेश्वर स्थान बहरा। बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं? बिहार सरकार से यही चाहते हैं जो हम लोग को जाँच करवा करके किसी तरह से घर पहुँचवा दिया जाए। जो कोई परमनल आएगा तो अंदर तो डाल रहा है स्कूल में, या कहीं ना कहीं से 14-15 दिन के लिए रोक रहे हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं, और यहाँ दूसरे एरिया में रुकते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद रुकते हैं, उतना ही हमारे घर परिवार भी परेशान होता है। अब मान चलिए 2 दिन हो गया है, 5 दिन से निकले हुए हैं, 5 दिन के अंदर में हमारे मम्मी और भाई पापा जो भी है सब परेशान है, किस हाल में है, किस तरीके से आप बीत रहे हैं, सब कान पीट रहे हैं, रो रहा है, मजाक करे क्या। वहाँ समस्या जो है गाड़ी से तो है नहीं जो एक दिन में निकल जाएंगे, किसी तरह समझाते हैं फिर भी नहीं मान रहे, रोने की बहुत परेशानी कर रहा है, तो यहाँ भी रोक रहे हैं 15 दिन रुकने के बाद। और भी चाहते हैं जो नीतीश सरकार किसी तरह हम लोग का घर तक पहुँचवा लीजिए, जो भी परिवार है हम अपने सामने रहेंगे, वहाँ देखेंगे सब आदमी समझ रहेंगे, और कोई तरह का प्रबंध क्या है कौन देखने वाला है। पैदल आ रहे हैं? कब के चले थे? 4-5 रोज हो गए। कहाँ जाना है? बिहार जाना है, दरभंगा जिला। कहाँ लिए पैदल आप लोग चले वहाँ से? तकलीफ हुआ जैसे हम लोग रास्ते में जो वहाँ था खाने के लिए नहीं मिला, सब दिन मिल रहा था, जब राशन पानी सब मिल रहा था, और लिख करके कि कहीं से डीएम का किसी को दिया था, हम लोग अनपढ़ का दिया था, वो एक रोज चावल दाल 2-3 किलो दिया, उसका बाद वो नहीं दिया कुछ नहीं, फिर हम लोग चल दिया भाई भूखे यहाँ मरना है, तो रास्ते में चलो मर जाएंगे ऐसा, अच्छा अपना परिवार के साथ भी मरना है, मर जाएगा यहाँ कौन देखने, अगर कुछ भी हो जाएगा कोई देखना नहीं है, इससे अच्छा अपना घर में चलो मर जाएंगे, ठीक रहेगा। 4 दिन में यहाँ पहुँचे? 4-5 दिन हो गया। आज यहाँ पे कब पहुँचे हैं? रात में आए हैं ना। किस चीज़ से आए थे? ट्रक से आए थे। हाँ पटना घाट वहाँ से हम कटोर को पुलिस वाले बैठाए हैं, बोला इसको जहाँ उतरेगा तुम जाना वहाँ उतार देना इसको, अपना अपना चले जाना, वो बोला नहीं नहीं उतार दो, हम गाड़ी खाली करना है, हम उधर नहीं जाएंगे। नीतीश सरकार से कुछ गुहार लगाना चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग घर पहुँचा दो, परिवार के साथ में रहेंगे, आज लेना है मरना है उसका साथ परिवार साथ। क्या नाम पड़ेगा? राजा राम यादव।